बॉलीवुड में क्या चल रहा है खास जानिए मेरे साथ। हेलो टू ऑल द व्यूअर्स ऑफ गूगल बॉलीवुड, मैं हूं मोनिका। भाई आपको बता दूं कि अपनी धमाकेदार पंगा मूवी में अच्छी परफॉर्मेंस देने के बाद अब ऋचा चड्ढा लेकर आ रही है एक नई मूवी। जी हां, जिसकी अनाउंसमेंट उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर की है। जी हां, ऋचा चड्ढा जो कि एक बेहतरीन एक्ट्रेस मानी जाती हैं पूरे बी टाउन में और अपनी सोशल अवेयरनेस एक्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा मशहूर हैं, वो लेकर आ रही हैं मूवी मैडम प्राइम मिनिस्टर। जी हाँ, मैडम प्राइम मिनिस्टर जो कि एक पॉलिटिकल ड्रामा मूवी होगी और उसमें वो एक बहुत ही ज़्यादा अहम रोल निभाएंगी। पर अगर मूवी की डायरेक्शन की बात करें तो इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं सुभाष कपूर। जी हाँ, उन्होंने मीडिया के साथ इंटरेक्ट करते हुए बताया कि जब वो ये लिख रहे थे स्क्रिप्ट तब उनके दिमाग में ऋचा चड्ढा ही थी, क्योंकि उन्हें लगता है कि ऋचा चड्ढा ये सबसे अच्छे तरीके से पोर्ट्रे कर पाएंगी रोल। और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि वो सबसे ज़्यादा सोशली अवेयर एक्ट्रेस है बी टाउन की। ऋचा चड्ढा ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि वो काफ़ी ज़्यादा खुश है कि उन्हें ऐसा रोल मिल रहा है, पर उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुशक्कत थी इस रोल को पोर्ट्रे करने में। जी हाँ, उन्होंने लखनऊ में नवंबर और दिसंबर में पूरे 40 दिन के स्केड्यूल में ये मूवी शूट की है। अगर मूवी की बात करें तो मूवी रिलीज होने जा रही है 17 जुलाई को। वेल, आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं ऋचा चड्ढा को मैडम प्राइम मिनिस्टर में देखने के लिए, बताइएगा ज़रूर इन कमेंट सेक्शन। दैट्स अ रैप फॉर टुडे। फॉर मोर बॉलीवुड अपडेट्स की वॉचिंग गूगल बॉलीवुड।